आइए अब इस सेशन में देखते हैं कि अगर क्वार्टरली अगर विड्रॉ होता है तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड अपने पहले भी बात किया हुआ है उसी टाइप के हैं कि अगर ये क्वार्टरली बेसिस पे हो रहे हैं तब क्या होगा। तो उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। इफ ए पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या है, अगर मानिए फाइनेंशियल ईयर चला अप्रैल टू मार्च का, तब की कंडीशन में जो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के लिए एक अमाउंट पेएबल सपोज कीजिए 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, यानी 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, ईच क्वार्टर कितने मंथ के होते हैं, 3 मंथ के, यानी बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की कंडीशन में क्या हो गया, 1 अप्रैल, फिर 1 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर और फिर 1 जनवरी। एक अमाउंट लिया है, एज्यूमिंग अमाउंट है 2000 पर मंथ, यानी 2000 पर मंथ के हिसाब से इन्होंने पर क्वार्टर के हिसाब से इन्होंने जो विड्रॉ किया हुआ है। तो अब यहाँ मंथ से इंटू मंथ किया तो इंटू 12, फिर 1 जुलाई टू 31 मार्च 9 मंथ, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक 3 मंथ। अब मल्टीप्लाई किया 24,000, 18,000, 12,000, 6,000, तो टोटल आ गया 60,000। अब देखिए अगर प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाइज लिया हुआ है 10% पर एनम के हिसाब से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के टोटल अमाउंट कितना है, 60,000 इंटू रेट कितना 10/100 इंटू 1/12, तो कितना आ गया यहाँ पे 500। अगर एवरेज पीरियड की बात करते हैं तो एवरेज पीरियड की बेसिस पे क्या है, टोटल ड्राइंग उनकी कितनी थी 2000 पर क्वार्टर के हिसाब से, टोटल कितना हो गया 8000, तो 8000 इंटू रेट कितना है 10/100, एवरेज लिया तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, यानी 12 प्लस 3 अपॉन 2 किया तो कितना आ गया, और इंटू 1/12, 8000 इंटू 10/100 इंटू 7.5 अपॉन 12, इसका भी क्या आ गया 500। सेम अब इसी टाइप से क्या हो गई, अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो रही है तब की कंडीशन में क्या होगा, अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो रही है तब की कंडीशन में जो सॉल्व करेंगे, तो यहां पे क्या है कि अगर मिडिल होती है, यहां पर उन्होंने चेंज कर दिया मिडिल ऑफ एवरी मंथ, सॉरी मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हो रहा है तब की कंडीशन में क्या होगा, अब इसमें जो डेट आएगी वो क्या हो जाएगा, यानी हर क्वार्टर के मिडिल में, हर क्वार्टर के मिडिल में क्या क्या हो जाएगा, यहां पे इसको बैठा देते हैं, इसकी कंडीशन में क्या आएगा, पहला क्या आ सकता है यहां पे 15th मई, 15th मई कैसे, अप्रैल मई जून, तो मई क्या आ रहा है बीच का आ रहा है, यहां पर क्या आ गया 15th मई, 15th मई के बाद फिर क्या आ रही है 15th मई के बाद, अब जुलाई खत्म हुआ तो फिर जुलाई अगस्त सितंबर, यानी बीच का मंथ कब आ गया, अगस्त का है, यानी 15 अगस्त, अब 15 अगस्त के बाद क्या आ रही है, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, फिर अब क्या आ गया अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, तो अब कौन सा आएगा 15 नवंबर, अब क्या आ गई 15 नवंबर के बाद, अब क्या हो रही है दिसंबर खत्म हुआ, तो अब क्या आएगा जनवरी फरवरी मार्च, तो अब कौन सा मिडिल में आ गया 15 फरवरी, आ रही है तो 15 फरवरी, अब 15 फरवरी आ गई आपकी, तो अब 15 फरवरी है, तो अब इसमें भी क्या है एवरी ईच क्वार्टर के मिडिल में 2000 विड्रॉ किया, तो टोटल विड्रॉ कितना हुआ 8000, अब यहां पे भी चेंजिंग आ रही है कि 8000, अब यहां पे देखिएगा 15th मई टू 31st मार्च कितने मंथ हो जाएंगे 10.5, 15th अगस्त टू 31st मार्च 7.5, 15th नवंबर टू 31st मार्च 4.5 एंड 15th फरवरी टू 31st मार्च 1.5। अब ये तो मंथ आ गया, अब इसी हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका अमाउंट भी चेंज जाएगी, अमाउंट क्या आ गया यहाँ पे 2000 टू 10.5 21,000, 2000 टू 7.5 15,000, 2000 टू 4.5 9,000 एंड 2000 इंटू 1.5
3000 टोटल किया, 3 + 9 = 12 + 15 = 27 + 21 = 48000 यानी टोटल कितना आ गया 48000। सेम यहाँ पे, अब यहाँ पे चेंज हो जा रही है टोटल प्रोडक्ट मेथड की कंडीशन में, टोटल कितना आ गया यहाँ पे 48000 इंटू 10/100 इंटू 1/12 डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 400। अब एवरेज बेसिस पे देखते हैं तो एवरेज बेसिस पे क्या आता है, 8000 जो टोटल अमाउंट थी फिर इंटू 10/100। अब एवरेज निकालते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो ओपनिंग में कितना था 10.5 + 1.5/2, तो यहां पे क्या हो गया 6/12, तो यहां पे भी क्या चेंज हो गए 400। ठीक है, ये तो था किस पे, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर की कंडीशन है तो आपकी कंडीशन में क्या हो गया, एवरी क्वार्टर के मिडिल में किया तो इसने विड्रॉ किया। अगर एक चीज और, अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है या मिडिल ऑफ एवरी मंथ दिया हुआ है तो आपकी कंडीशन में कौन सा होगा, बेस ऑफ 6 मंथ आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया बेस ऑफ 6 मंथ के हिसाब से, कितना आ गया 6/12 के बेसिस पे, यानी 6/12। अगर अब क्या होती है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो अब यहाँ पे चेंज करते हैं यहाँ पे इसको, अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तब की कंडीशन में यहां पे मंथ क्या जाएगा, पहला एंड कब आएगा क्वार्टरली का, 30 जून। अब तो 30 जून आ गया, तो अब कब आएगा, जून खत्म होगा तो अब जुलाई अगस्त सितंबर, अब कब आएगा 30 सितंबर, ठीक है। अब 30 सितंबर के बाद क्या आएगा, अब 30 सितंबर के बाद कब आएगा 31 दिसंबर, अब 31 दिसंबर के बाद क्या आ रही है, 31 दिसंबर तो आ गया, अब क्या आएगा 31 मार्च, 31 मार्च। अब 31 मार्च आए तो अब यहां पे देखिए एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर की कंडीशन में पहला आ गया कब 30 जून को, दूसरा कब आ गया, पहली क्वार्टर कब खत्म होगा अप्रैल मई जून, जून में खत्म हुआ तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड जून के बाद क्या आ रही है जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर में हुआ 30 सितंबर, फिर थर्ड क्वार्टर कब आएगा सितंबर के बाद क्या हुआ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर 31 दिसंबर, और फिर नेक्स्ट क्वार्टर क्या आएगा 31 मार्च। यहां पे भी अमाउंट वही लिया कि 2000 ईच क्वार्टर है, तब यहां के हिसाब से यहां पे मंथ में क्या चेंज आएगी 30 जून, तो 31 मार्च कितने मंथ का हो जाएगा यहां पे 9, 30 सितंबर से 6, 31 दिसंबर से 3 एंड 31 मार्च को 0। अब इसके हिसाब से इनकी अमाउंट भी चेंज हो जाएगी। अब देखिए 2000 × 9 = 18000, 2000 × 6 = 12000, 2000 × 3 = 6000 एंड 2000 = 0 तो टोटल कितना आ गया यहां पे 36000। अब 36000 आया तो अब यहां पे क्या चेंज हो रही है प्रोडक्ट मेथड में, 36000 इंटू 10/100 इंटू 1/12, तो यहां पे चेंजिंग आ गई कितने से आ गई ये 300। अब एवरेज प्रिंट लेते हैं तो 8000 पूरा टोटल जितना लिया हुआ था इंटू 10/100 एवरेज दे रहे, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कितने आ गए 9 + 0.2 इंटू 1/12, तो अब यहां पे कितना आ गया यहां पे 4.5। अब यहां पे भी अमाउंट चेंज हो गई 300। ये तो था कि अगर ईच क्वार्टरली बेसिस पे होती है तो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हुआ, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हुआ और एंड ऑफ ईच क्वार्टर हुआ, तो कैसे क्वार्टरली हो सकती है और उसके इंटरेस्ट और ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो सेशन में आएंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर अनइक्वल अमाउंट होती है या कोई फिक्स अमाउंट ऐसा दिया हुआ या कोई परसेंटेज दिया तो उसके लिए कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको चीज़ अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। थैंक यू।